इंदौर के गांधीनगर के सुपर कॉरिडोर दिलीप गांव के पास हुआ बड़ा हादसा। किड्स कॉलेज की बस और एक्टिवा के बीच जोरदार टक्कर, एक्टिवा सवार 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें 2 पुरुष 1 महिला शामिल है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि किड्स कॉलेज की बस में करीब 35 बच्चे सवार थे, जिसमें से 15 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। पूरी घटना दोपहर की बताई जा रही है, जहां तेज गति से आ रही किड्स कॉलेज की बस ने एक्टिवा पर सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि एक्टिवा गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए। वहीं एक्टिवा सवार 3 लोग, जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष की जिला हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हुआ है स्कूल बस में बच्चे सवार थे और एक्टिवा सवार को बोला गया। ये अभी करीब 2.5 घंटे पहले का घटनाक्रम है। सुपर कॉरिडोर पर दिलीप नगर गांव के पास में किड्स कॉलेज की बच्चों की बस थी और एक एक्टिवा, जिस पर 2 पुरुष 1 महिला जा रहे थे, तभी एक्टिवा जो है वो बस के नीचे आ गई और उसी दौरान ये गंभीर हादसा घटित हुआ। गंभीर जो घायल थे, गंभीर स्थिति में उनको जिला अस्पताल भेजा गया था। जहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये है कि 2 पुरुष और 1 महिला जो थी वो एक्सपायर हो गया। सर, कोई पहचान हो पाई अभी? अभी अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो गाड़ी का जो एक्टिवा का नंबर है, उस नंबर के आधार पर ये मालूम पड़ा है कि ये धार का जो है नंबर उसका, तो उस बार बेस पर जो संबंध जो पुलिस की टीम है उसको सूचना दी गई है और शीघ्र ही परिजनों को जानकारी देकर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, आप मौके पर पहुंचे थे, जैसे जिस तरह का हादसा दिख रहा है लगभग उसमें 35 बच्चों की जानकारी है जो थे, क्या बच्चों को भी चोटें आई हैं कुछ आपने भी जानकारी? जिस समय ये जानकारी मिली थी और मैं पहुंचा था स्पॉट पे, तो उस समय गाड़ी में बच्चे नहीं थे, लेकिन गाड़ी में काफ़ी बैग थे, तो उन बैगों को तो थाने पर सुरक्षित रख दिया गया है। जो भी परिजन आ रहे हैं उनको बैग बच्चों का सपोर्ट किया जाएगा। कहाँ गए बच्चे उस दौरान? क्या अब स्पॉट पर उसमें बच्चे तो नहीं मिले थे, संभावना है कि साथ में कोई गाड़ी रही होगी तो उससे गाड़ी से बच्चों को भेज दिया गया होगा। बच्चे घायल है? हाँ, इस संदर्भ में हमारी टीम लगी हुई है लगातार और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको केस ड्राइव शामिल करके बधानी कर रही है। क्या लग रहा है, भीषण हादसा है सड़क पर? निश्चित रूप से हादसा तो है, जब 3 लोग एक्सपायर हुए, गंभीर हादसा है इसमें निश्चित रूप से। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब इसमें जो आगे तथ्य आएंगे, तथ्य के आधार पर जो गवाह सबूत उपस्थित होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।